ठीक है ठीक है, आपका चैनल, आप भी, आपका पूरा जंक्शन टंक्शन जितना ब्रांड आप चला रहे हैं ना, वो 5 मिनट के अंदर में क्लोज हो जाएगा। अरे 2 घंटा में तुम्हारा चैनल तो बंद करवा देंगे, 2 घंटा। अच्छा, 5 मिनट तो बहुत हो गया, 2 घंटा में बंद करवा दूंगा तुम्हारा चैनल, ठीक सर, है। सर मैं 2 घंटे बंद कर दिया सर, तो बंद करवा दिया सर चाह प्लीज। जाऊंगा ना, तो 2 घंटा में तुम्हारा ऑफिस से पहुंच जाऊंगा। 2 घंटे में सर क्यों सर, आप 1 घंटे में पहुंच जाइए सर। लिंक तो मेरा है ही है, तो तुमको घर से उठवा लेंगे तो अभी, कहाँ लिंक हमको है। आप, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, आप उठवा लीजिए घर से सर, वैसे भी बहुत मतलब घर पे मन नहीं लगता मेरा। तुमको कोट हवाला जितना भी तुमको शौक लगा हुआ है वो तुमको हम सब पूरा कर देंगे, ठीक है सर, बशर्ते तुम हमारा चैनल बंद नहीं करते हो, तो ये सब भुगतना तुमको पड़ेगा। चलिए हम बंद नहीं करेंगे सर, आपके मुंह पे बोल रहे हैं, कॉल रिकॉर्ड कर लीजिए, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ हम लीजिए। कॉल रिकॉर्ड नहीं करते हैं, किसी शिकायत में डायरेक्ट हम अटैक करते अच्छा हैं। नहीं और चलिए तो ठीक है, मत करिए कोई बात नहीं, मत करिए, आपको दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जो करना है मेरा कर लीजिएगा, बंद नहीं करेंगे सर। हर संडे का एपिसोड हम तो आएगा जब और हम अगले कोर्ट कूट एपिसोड नहीं जाते हैं अगले, बाबू, और हम सुनिए कोर्ट कूट और नहीं जाते हैं, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट फरियाते हैं। वो तो सरकार के दस्तावेज बन जाता है, लॉक रखा रहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फरियाते हैं ऑफिस अरे पर सर आकर। कहते हाँ हैं सोते हुए शेर को मत छेड़ो, जब तक वो सो रहा है तब तक आपके लिए अच्छा है, अगर जाग गया तो चीड़ फाड़ देगा। और यहां तो शेर कभी सोया ही नहीं था, तो शुरू करते हैं क्या? अरे चीड़ फाड़ करना किसका? भोजपुरी के अश्लीलता का। लेकिन एक छोटा सा चेंज है, इस बार साथ में भोजपुरी गायकों के जो रहनुमा है उनका भी चीड़ फाड़ करना है। अब क्यों करना जरूरी हो गया है, इसके लिए आपको ये ऑडियो सुनना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, आपका चैनल, आप भी, आपका पूरा जंक्शन टंक्शन जितना ब्रांड आप चला रहे हैं ना, वो 5 मिनट के अंदर में क्लोज हो जाएगा। अरे 2 घंटा में तुम्हारा चैनल तो बंद करवा देंगे, 2 घंटा। अच्छा, 5 मिनट तो बहुत हो गया, 2 घंटा में बंद करवा दूंगा तुम्हारा चैनल, ठीक सर, है। सर 2 घंटे बंद कर दिया सर, तो बंद करवा दिया सर मैं चाह प्लीज। जाऊंगा ना, तो 2 घंटा में तुम्हारा ऑफिस से पहुंच जाऊंगा। 2 घंटे में सर क्यों सर, आप 1 घंटे में पहुंच जाइए सर। लिंक तो मेरा है ही है, तो तुमको घर से उठवा लेंगे तो अभी, कहाँ लिंक हमको है। आप, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, आप उठवा लीजिए घर से सर, वैसे भी बहुत मतलब घर पे मन नहीं लगता मेरा। तुमको कोट हवाला जितना भी तुमको शौक लगा हुआ है वो तुमको हम सब पूरा कर देंगे, ठीक है सर, बशर्ते तुम हमारा चैनल बंद नहीं करते हो, तो ये सब भुगतना तुमको पड़ेगा। चलिए हम बंद नहीं करेंगे सर, आपके मुंह पे बोल रहे हैं, कॉल रिकॉर्ड कर लीजिए, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ हम लीजिए। कॉल रिकॉर्ड नहीं करते हैं, किसी शिकायत में डायरेक्ट हम अटैक करते हैं। अच्छा नहीं और चलिए तो ठीक है, मत करिए कोई बात नहीं, मत करिए, आपको दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जो करना है मेरा कर लीजिएगा, बंद नहीं करेंगे सर, हर संडे का एपिसोड हम तो आएगा। जब और हम अगले कोर्ट कूट एपिसोड नहीं जाते हैं अगले, बाबू, और हम सुनिए कोर्ट कूट और नहीं जाते हैं, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट फरियाते हैं। वो तो सरकार के दस्तावेज बन जाता है, लॉक रखा रहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फरियाते हैं ऑफिस अरे पर सर आकर। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जंक्शन में, और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। हाँ तो सुन लिए ना ये ऑडियो, ये जो आए थे शेर के गले में घंटी बांधने, उनका सो कॉल नाम है राघवेंद्र सरकार, जो खुद को रितेश पांडे का पीए बता रहे थे, और जिनसे बात कर रहे हैं वो है प्रशांत राय। अब आपको ये बताते हैं कि धमकी मिल क्यों रही है। दरअसल हमारा चैनल पिछले 3 हफ्तों से हर रविवार को एक सीरीज चला रहा था भोजपुरी गानों के अश्लीलता के बारे में, और ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। मीडिया, दलाल मीडिया, ये सब सुनने के बावजूद भी जब कोई पत्रकार दिल्ली की अच्छी खासी नौकरी छोड़कर बिहार आता है, ये सोचकर कि वो सब कुछ बदल देगा, वो बाढ़ में कमर तक भरे पानी में घुसकर जमीनी हकीकत दिखाता है, और उसे क्या मिलता है? भाग। गलत सोच रहे हो आप, कोई शाबाशी वाबाशी नहीं मिलता है, उसे मिलता है धमकी। जब पीएमसीएच जैसे बेहिसाब बेड देने वाले अस्पताल 5 स्टार अस्पताल का असलियत दिखाता है, ऐसा असलियत जिसको देखकर नीतीश जी भी शर्मा जाए, उस असलियत को दिखाने के बाद मिलता है लाठी। और जब बहुचर्चित बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी में गाए गानों में छुपे अश्लीलता को दिखाता है, तो मिलता है जान से मारने की धमकी। एक बार फिर से सुनिएगा, जान से मारने की। अब समझ में आया भाई साहब कि बदलाव आ क्यों नहीं रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ना, जब जब कोई आवाज उठाता है तब तब ऐसी ऐसी धमकियां मिलती हैं, लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लोग सोचते हैं कि डर के रुक जाएगा। पर सुन लीजिए जो बात आप बोल रहे हैं ना, कि लड़की को बैठा के प्रोग्राम चला रहे हो, ये बोलने से पहले अगर ये जान लेते ना कि लड़की कौन है तो अच्छा होता, उस लड़की के पीछे कौन कौन खड़ा है तो अच्छा होता। और जरा गौर से सुनिएगा,
जिन भी कलाकारों को तकलीफ है जनता जंक्शन के भोजपुरी सीरीज से, वो अपने गानों से अश्लीलता को हटा ले, क्योंकि धमकी और मजबूत बनाती है। अब कुछ सवाल है जनता से भी, क्यों बिक जाता है कोई मीडिया जानते हैं? पैसे के लालच, जान की धमकी और मशहूर होने के लालच से शायद। और इसके जिम्मेदार होते हैं आप सब, क्योंकि आप लोग साथ नहीं देते। लेकिन आभार रहेगा जनता जंक्शन के परिवार में शामिल हुए उन 2 लाख लोगों का जो हम लोगों को इतना मजबूती से समर्थन देते हैं, और आज भी समर्थन चाहिए आपका। ऐसे जितने भी अश्लील गाने आप सुन रहे हैं वो हमें भेजें। कोशिश रहेगा कि हमारे हर एक गाने की हम बजाए। अंत में उन लोगों के लिए एक संदेश है, अगर आप में कुवत है तो अश्लील गानों को बंद करिए और कुछ अच्छा गाइए, क्योंकि हमने के विटामिन तो हर गाना से ना मिलेला। तो हमारे प्यारे दर्शकों, अब अच्छे से लपेटेंगे सबको, आप देखकर मजा जरूर लीजिएगा। इसी के साथ देखते रहिए जनता जंक्शन, हमें YouTube पे सब्सक्राइब करें, Facebook पे लाइक करें, Twitter पे फॉलो करें। और अगर आप चाहते हैं कि जरा बेबाक अंदाज में पत्रकारिता करते रहे, तो स्क्रीन पर दिख रही डिटेल्स पे डोनेशन दें। धन्यवाद।